अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। नोटबंदी गलती थी। बीजेपी एंटी ब्लैक मनी डे सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। आप मुझे बता दो, आप में से किसी के बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी जी ने पैसा डाला? कोई है यहां पे? उनका कहना था कि लाखों करोड़ रुपए वापस नहीं आएंगे, सबका सब पैसा वापस आ गया। एक्चुअली नोटबंदी क्या थी? नोटबंदी हिंदुस्तान के सब चोरों के काले धन को सफेद करने की स्ट्रेटेजी थी। जीएसटी इज वन टैक्स, नॉट फाइव टैक्सेस। जो जीएसटी बीजेपी लाई है वो एक्चुअली जीएसटी है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि जीएसटी का मतलब 12 बजे रात को पार्लियामेंट में जीएसटी पास हो गई तो जीएसटी हो गई। नहीं, जीएसटी इज अ प्रोसेस, जीएसटी इज ए नेगोशिएशन, जीएसटी इज ए एवोल्यूशन। तो उसको आपने आस्ते 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 नेगोशिएट करके बात करके डेवलप करना चाहिए था, वो नहीं किया, इसलिए आपको झटका लगा है। नरेंद्र मोदी जी ने भाषण के बाद भाषण ये दिए थे कि कांग्रेस पार्टी जीएसटी को रोक रही है। हमने जीएसटी को रोका, और हमने इसलिए रोका क्योंकि जीएसटी हमें उस फॉर्म में अच्छी नहीं लग रही थी। जब मोदी जी को लगा है कि गलती हो गई तो फिर मोदी जी कह रहे हैं भैया इसमें कांग्रेस पार्टी भी थी। मगर जब कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट में आएगी हम जीएसटी को रीअसेस करके रीस्ट्रक्चर करके आपको फिर से डिलीवर करेंगे। ये जो जीएसटी है इससे कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है। हमारी व्यू है कि इससे देश को नुकसान हो रहा है और इसके स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत है। जितनी मदद सरकार टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट को करती है अगर उससे 15% भी आप लोगों को स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस को कर दिया तो आप चमत्कार करके दिखा सकते हैं। मैंने बीजेपी की बात की, वो तो एक्सट्रीम में जाते हैं, मगर मैं यहां से यह भी कह सकता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने आपकी मदद करनी चाहिए थी और आपके साथ खड़ा होना चाहिए था शायद हमने भी नहीं किया, और हमारा भी थोड़ा ध्यान ज्यादा जो बड़े उद्योगपति हैं उन पर रहता था। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरी व्यू है कि अगर हम सबसे बड़े उद्योगपतियों को सपोर्ट करें तो जितना उनको करते हैं उतना स्मॉल एंड मीडियम को करना चाहिए। प्रॉमिस, मेरा प्रॉमिस शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मेरी थिंकिंग में अगर मैंने कह दिया तो उसका कुछ वजन होना चाहिए। अगर मैंने कह दिया कि मैं करूंगा तो प्रॉमिस की कोई जरूरत नहीं है। मेरी थिंकिंग में थोड़ा बदलाव आया है, यह मैं आपको बता देता हूं। पहले मेरी थिंकिंग थी कि इस सिस्टम में मुझे जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करनी है। अब मेरी थिंकिंग है कि सिस्टम जो चल रहा है उसमें बैलेंस लाने की और सब में जो वो जो सिस्टम है उसमें भाईचारा प्यार लाके उसको और तेजी से चलाना है।